चलो लवीना, हम देख नहीं सकेगा। रानी नहीं, हम ढाड़ा को ऐसे छोड़ के थोड़ी ना जा सकते, कुछ हो गया तो। क्या जरूरत है डॉल्फी को ये सब करने की? काफी अपने पापा को रोको ना प्लीज, उनको बोलो ना कि छोड़ दे ढाड़ा को। लवीना आप मेरे पापा को उनके पापा भी नहीं रोक सकते। कपिल तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? मत जाओ प्लीज, मत जाओ। अरे मजबूरी है, मजबूरी। बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैली है, पीएम खुद आने वाले हैं, तो बंदोबस्त के लिए कुछ खास ट्रैफिक हवलदारों की छुट्टी कैंसिल हो गई है। मैं क्या करूँगी यार? तभी हम कहे खास लोग हम आम लोगों को कहे छोड़कर जा रहे हैं। कपिल तुम वापस जल्दी लौट आना, वरना तुम्हारे बिना गाँव के भेड़ बकरियों का क्या होगा। मैं करती रहेंगी। फिक्र मत करो, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। गांव के भेड़ बकरियों को ज्यादा नहीं सताऊंगा। मैं भाई काका दे दो, मैं चलाता हूँ। ओके भाई। जा रहे हो, जाते हुए हमारा सलाम ले जाना। अगर रास्ते में सर दर्द हो तो जरा बाम भी ले जाना। मुझे भी है जाना। देखिए इनकी रंगबाजी। चाचू 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 चाचा। अबे अरे अबे चाचू मुंह क्यों छुपा रहा है? नाराज हूँ मैं तेरे से। नाराज मुझसे? हाय हाय क्या अदा है नाराज होने की। वाह वाह, ऐसे तो लवीना भी नाराज नहीं होती है। ऐसा है वो लवीना है और मैं चाचा चौधरी हूँ, समझ गया? तो फिर चाचा के स्टाइल में मनाना पड़ेगा। क्या 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 कर रहा है यार? प्यार कर रहा हूँ और क्या। अरे रहने दे यार, इतने दिन तक तेरे को मेरी याद नहीं आई, कोई खबर नहीं ली, अब मैं सामने दिख गया तो बोला प्यार कर रहा हूँ। भाई कोई बात नहीं, पहले भी हो चुका है मेरे साथ। अच्छा? जब तेरी दूसरी चाची पहली बार मायके गई थी ना, तो वो भी मेरे को भूल गई थी। अच्छा? लेकिन मेरा जम गया था क्योंकि मैं भी उसको भूल गया था। देख तेरे साथ है ना अपना मामला थोड़ा डिफरेंट है, तू बेशक भूल जा मेरे को, मैं तेरे को नहीं भूल सकता। दिनकर मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप तो मेरी जान है। तू रहने दे, फेंक मत, तेरी जान तो लवीना है, पता है मेरे को। लेकिन अगर ये जान नहीं होती तो वो जान मेरी जान कैसे होगी? रहने दे, मस्का मत मारे तू। अच्छा ये बता लवीना कैसी है, घर में सब कैसे हैं? लवीना तो ठीक है चाचा, लेकिन घर पे थोड़ी सी टेंशन है। अरे क्या हुआ, अब कौन सा नया एंगल आ गया भाई? एंगल नहीं, दंगल। दंगल? पापा डिमेलो साहब को दंगल में ये पटक दिया। ओ तेरे की, मतलब डिमेलो जी तो अब तक शिकायत करवा रहे होंगे। आपको कैसे पता? अरे मुंबई तक चीखें सुनाई दे रही है भाई उनकी। आउचेस! क्या डाड़ा, क्या आउचेस आउचेस कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ है आपको, बिल्कुल ठीक है आप। नहीं हुआ मतलब? उस ट्रैफिक हवलदार के पापा ने मेरे पापा को आटे की बोरी की तरह यूं उठा के पटक दिया। पापा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से पापा? यस। क्या जरूरत थी कहने की? डैडा पहलवान है, डैडा कुश्ती जीतेंगे। पापा ने तो कहा था ये कुश्ती के बहुत बड़े पहलवान हैं और इन्होंने तो बहुत सारी कुश्तियाँ खेली हैं। क्यों पापा? खेली है, जीती नहीं है थापा। पापा लेकिन आपने मुझसे बात बोली क्यों नहीं? अरे तुमने बोलने का मौका ही नहीं दिया। बस क्या डेमेलो साहब, बड़ी नाजुक कमर है आपकी, औरतों जैसी। जरा सा ठुमका क्या लगा, लचक गयी। हनुमान सिंह दिनकर, आपने हमारे साथ चिटिंग्स किया, बिना इन्फॉर्म्स किए हमको पटक दिया। अगर हम इन्फॉर्म कर देते तो क्या कर लेते आप? हम भाग जाता। अरे तुम लोग इधर क्या टाइम पास करता है, चलने का नहीं है क्या? मैं कहाँ जा रहा है? मंदिर संधि जी, पंडित जी ने बुलाया है, गुड्डू बेटा और लवीना बहू की सगाई का मुहूर्त निकालने के लिए। पापा, ये तो शादी का मुहूर्त निकालने जा रहे हैं। आप हनुमान सिंह का पर्दाफाश करने का मुहूर्त कब निकालेंगे? चलिए। जल्दी क्या है, कपिल को तो मुंबई से आ जाने दीजिए। अरे मुहूर्त कपिल नहीं निकालेगा, पंडित जी निकालेंगे। चलिए। हम नहीं जा सकता, हमारा कमर ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, मैं दादा के साथ में यहाँ रुक जाती हूँ, आप लोग जाइए। अरे बेटी, शादी तुम्हारी होने वाली है, तुमको जाना चाहिए। तुम लोग जाओ, मैं इनके साथ रहूंगा, इनका ख्याल रखूंगा। थैंक यू बाबा, हम लोग। और हाँ, पंडित जी से कहना जरा हैप्पी सा मुहूर्त निकालें। कैसे हैं? चलिए लेट जाइए। No, I'm feeling better. अरे बेटर तो हम आपको फील कराएंगे। सुतन बुतन। जी जी जी। जरा आपने रसोई में जाओ। हाँ जी। ऊपर वहाँ पे कनस्तर में तेल रखा है। हाँ जी हाँ जी। वो लोहे की कढ़ाई में वो कड़वा तेल डालो, उसको ठीक से गर्म करो, उसमें लहसुन, जीरा और अजवाइन डाल के खूब खौलाओ जी, और अदरक काट के महीन साथ में लेके आओ। और जीजा जी प्याज? अरे प्याज तो लानी पड़ती ना, हमेशा रहती है। मिस्टर हनुमान सिंह दिनकर, आप ये क्या करने वाला है? कुछ नहीं पापा। थापा, यहाँ पे तड़का मारने वाले हैं। तड़का? आने वाले बृहस्पतिवार को सगाई का अच्छा मुहूर्त है, आप लड़का लड़की की सगाई करवा सकते हैं। मुबारक हो नानी जी, मुहूर्त निकल आया। तो सोचने का क्या है, एंगेजमेंट कराने का। मम्मा, पर हमारी शादी के टाइम तो मुहूर्त नहीं निकाला था, इसीलिए तो हमको तुम्हारा पापा और पापा जैसा दामाद मिला। मम्मा, पंडित जी, लवीना के लिए कपिल एकदम फिट होना मांगता है, और नहीं है तो उसको फिट कराने का। सगाई के एक हफ्ते बाद शादी का अच्छा मुहूर्त है। अगर एक हफ्ते बाद शादी नहीं हुई तो 1.5 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। नहीं, इतना टाइम कौन वेट करेगा? मेरा मतलब है टाइम थोड़ा ज़्यादा। लवीना सही कह रही है मौसी, आजकल के लड़के पतंग की तरह होते हैं। जरा सी लंबी ढील दे दी कि कन्नी कटने में देर नहीं लागत है। और वैसे भी लूटने वाले तो सही बैठे हैं। गुड्डू का फोन आ गया। हेलो गुड्डू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? हम पंडित जी के यहाँ आए थे मंदिर, तुम्हारी शादी और सगाई का मुहूर्त निकालने के लिए। मुबारक हो बेटा, मुहूर्त निकल गई है। अच्छा, लो बहू रानी से बात कर लो। हाँ दीजिए। हाय हाय। हाँ हाँ, अब इधर हाँ ना करके हमको डिस्टर्ब नहीं करने का, उधर जाके बात करने का। ओके। हाय। सो क्या सुना है आपकी एंगेजमेंट हो रही है? सुना है आपकी भी एंगेजमेंट हो रही है। सुना है आप बहुत खुश हो। सुना है कि आप भी बहुत खुश हैं। सुना है क्या? सुना है कपिल। हाँ, आई एम रियली मिसिंग यू, जल्दी आ जाओ ना प्लीज। I miss you too. Seriously कपिल, बिना तुम्हारे ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। जल्दी आ जाओ ना। मैं आता हूँ। I love you. Love you too. Bye. Okay, bye. हो गई फोन पे बात? जी? जी। जी, हमने कहा बतियाली हो तो थोड़ा हमसे भी बतिया लीजिए, जान पहचान बढ़ाइए हमसे, बहुत सुखी रहेंगी आप। क्या? जी। लवीना, ये लवीना कहाँ चला गया? नाना, अभी इधर से तो गया था। मम्मा, मैं उसको उधर देखकर आता है। बाबू। नानी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पीछे देखती हूँ। बेबी, तुम उस साइड जाके देखो। बाबू। लवीना। बहू। लवीना। लवीना। बहू रानी। लवीना। लबू। लवीना। लबू। लवीना। बहू रानी। बिल्कुल लेडीज जैसे नखरे हैं आपके। आपका नाम डाल्फी नहीं डाल्फिन होना चाहिए। जीजा जी आपका फोन दो। हेलो प्रणाम भैया, काल है। आपने सोचा होगा कि गुड्डू के थप्पड़े आने के बाद हम चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन वो कहा है ना भैया कि हम तनिक ढीठ भी हैं और थोड़े से बेशरम भी। क्या लगा आपको कि हम उस थप्पड़ का जवाब नहीं देंगे? जवाब तो देंगे भैया, लेकिन उस जवाब को लेने आपको यहीं आना होगा। अब आप कहोगे कि भाई हम तुम्हारे जवाब लेने के लिए उधर काहे को हैं? तो हमारे पास आपके लिए एक ठो ऑफर है, एक पर एक फ्री। अब जब आप जवाब लेने आएंगे तो आपको आपकी होने वाली बहुरिया मिलेगी एकदम फ्री। अब ये ऑफर तो आप मना नहीं कर सकते भैया, लेकिन एक छोटी सी शर्त और है। अब शर्त ये है कि ये ऑफर एक सीमित समय सीमा के लिए है। अगर इस समय सीमा में आप रंगरेज टीला आ गए और हमारा हिसाब किताब बराबर कर दिया तो ठीक, वरना आप और आपके लौंडा दोनों हाथ मलते रह जाएंगे। इन शॉर्ट, यदि लवीना की सलामती चाहते हो तो समय से पहले रंगरेज टीला पहुंचो, हमारा हिसाब बराबर करना है, वरना इनका अकाउंट बराबर। अरे मेरे भैया आ जा। हनुमान सिंह दिनकर गया कहाँ? पापा ये क्रिमिनल्स ऐसे ही होते हैं। ऐसे होते हैं क्रिमिनल्स? अच्छा इसलिए गया वो। लवीना, लवीना यहाँ पे आया क्या? लवीना तो तुम लोगों के साथ गया क्या? वो माँ है लवीना क्या? लवीना नानसी तुम बताओ क्या हुआ लवीना को? डाड़ा लव को कुछ पता नहीं चल रहा। क्यों क्यों क्या हुआ? कपिल का फोन आया था, वो उससे बात करने के लिए बाहर चली गई। उसके बाद उसका खुद पता नहीं चल रहा। डॉल्फी कुछ भी करके हमारी लवीना को वापस लेकर आओ। डॉल्फी लवीना गया कहाँ? आओ भैया आओ, बिल्कुल सही समय पर आए। आपके ऑफर की समय सीमा समाप्त होने वाली थी बस। क्या लगा था कि हम आपको इतने प्रेम से भैया 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 पुकार रहे और आपका वो 2 टके का लौंडा हमरे गाल पे थप्पड़ मार देगा और हम उसको थैंक यू वेरी मच कह के जाने देंगे? बहुत गलत हुआ भैया। उस दिन चोट हमरे गाल पे नहीं हमरे ईगो पे पड़ी थी, इसलिए उस चोट की दवा लेके हम आ गए। तुम्हारी बहुरिया लवीना। हाँ तो लवीना जी इनको तो जानती होंगी आप, हनुमान सिंह जी आपके होने वाले ससुर और आपके पिताजी के समधी होने वाले। लेकिन एक रिश्ता और है आपके पिताजी के साथ इनका, दुश्मनी का। ये हनुमान सिंह वही स्मगलर है जिसकी वजह से आपके पिताजी ने फौज की नौकरी खोई। ये वही धोखेबाज है जिसको आपके पिताजी पिछले 15 सालों से ढूंढ रहे हैं। भाई साहब गलत बोल रहा हूं क्या? आपके पिताजी की नौकरी खाने के बाद, हमें जेल पहुंचाने के बाद देखो क्या चकाचक सफेद धोती पहन रहे हैं, शराफत वाली। भाई वाह, अब ये बात आपके पिताजी को मालूम पड़ना चाहिए कि जैसे वो हनुमान समझ रहे हैं, दरअसल वो एक रावण है। भाई साहब गलत तो नहीं बोल रहे हैं? अब ये बात इनके पिताजी को पता लगेगी तो गुड्डू की शादी नहीं बर्बादी होगी। अपना प्यार को खोने के कारण वो खून के आंसू रोएगा, वो पछताएगा कि किस मनहूस घड़ी में तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ और यह होगा मेरे थप्पड़ का बदला। थप्पड़ कैसा लगा? हमने पहले ही कहा था हमारे जीवन में गुड्डू से बढ़कर कुछ नहीं है और गुड्डू के जीवन में लवीना से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे गुड्डू को खून के आंसू रुलाने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक तो है ना बेटी? चलो घर चलते हैं। बेटी तुम चली जाओगी तो हमारा दर्द कौन दूर करेगा? यहीं रह जाओ ना बेटी, मेरे घर में बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। हमारे जीवन में गुड्डू से बढ़कर कुछ नहीं है और गुड्डू के जीवन में लवीना से बढ़कर कुछ नहीं है। लवीना बेटा कहाँ चली गई थी? कितने परेशान हो गए थे हम लोग। ये हनुमान सिंह वही स्मगलर है जिसकी वजह से आपके पिताजी ने फौज की नौकरी खोई। ये वही दुश्मन है जिसे आपके पिताजी पिछले 15 सालों से ढूंढ रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.